जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सभी को बधाई हो। कृषि संबंधित बिल जितनी राजनीति हुई उसके उपरांत भी कानून बन गया। इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे देश में हर चीज पर ही राजनीति होती है, तो क्या कर सकते हैं। और इसलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि यह तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था जो हमने किया है, तो उनको तो आगे होकर समर्थन करना चाहिए था। और जो दूसरे दल, जो वाम दल हुए या दूसरे दल हुए, इसका विरोध कर रहे थे, उनका विरोध करना चाहिए था। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल भी उनके साथ खड़ा था। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। लेकिन मैं बताऊं आपको, पॉलिटिक्स के अलावा हम बात करें तो इसका क्या लाभ मिलेगा देश के किसानों को, कृषि सेक्टर को। देखिए, जब हम मार्केट इकोनॉमी में काम करते हैं तो मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं वे डिटरमाइन करना चाहिए हर चीज की प्राइसेस को, मुनाफे को। अब जब हम एमएसपी में, जो कि अभी भी चलेगी, बड़े स्पष्ट कह रहा हूं कि मंडी का सिस्टम खत्म नहीं होगा, एमएसपी चलती रहेगी, यह निश्चित है। लेकिन एमएसपी को हम मिनिमम मान ले वहां तक ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्यों माना जाए। किसी किसान का यदि उत्पादन नहीं बिकता है तो एमएसपी के ऊपर वह बेच दे मंडी में जाकर, यह व्यवस्था रहेगी। लेकिन यदि उससे अधिक कीमत उसको मंडी के बाहर मिलती है, दूसरे प्रांत में मिलती है, तो उसको रोकने का अधिकार, बेसिकली मैं कहता हूं ये असंवैधानिक कृत्य था और मार्केट फोर्सेस के, ओपन मार्केट सिस्टम के भी विरुद्ध था, जिसको आज सरकार ने खंडित कर दिया। अब यह है, पहले यह था कि जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान का कोई किसान है, वह पंजाब में यदि उसके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिल रही है नहीं बेच सकता था, बिहार के किसान को यदि महाराष्ट्र में अच्छी कीमत मिल रही है तो नहीं बेच सकता था। इन सारी बाधाओं को खत्म कर दिया। कि आप बताइए मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही देश में आप दूसरे प्रांत में या दूसरी मंडी में नहीं बेच सकते। ये अपने आप में गलत था। और इससे होता क्या था कि किसान एमएसपी पर बंध जाता था। एमएसपी का सपोर्ट जो होता है वो तो अभी भी रहेगा, मंडी का स्ट्रक्चर अभी भी रहेगा, लेकिन यदि किसान को किसी दूसरी जगह पर, दूसरे प्रांत में, दूसरे नगर में, जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं अभी जहां बैठा हूं तो वहां से मात्र 2 घंटे के ड्राइव पे मैं राजस्थान पहुंच जाऊंगा। यदि मैं किसान हूं तो मुझे राजस्थान में अच्छा मूल्य मिल रहा है मेरे प्रोडक्ट का, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा। लेकिन नहीं बेच सकता था कानून रूप में। उस बाधा को अब खत्म कर दिया गया है। अब जो मार्केट फोर्सेज हैं वह डिटरमाइन करेंगी रेट्स को, जिसका लाभ किसान को मिलेगा। और जिसका उत्पाद नहीं बिक पा रहा है किसी भी कारणवश, वो मंडी तो उसके लिए एमएसपी पर खुली है आज भी। दूसरी चीज, एक बात याद रखिए कि जो लोग अभी तक इन चीजों को रोकते रहे, क्यों रोकते रहे, तो बिचौलियों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। उदाहरण दे रहा हूं कि जब जैसे आलू की कीमत बढ़ गई या टमाटर की बढ़ गई, टमाटर पहुंच गया 100 रुपए किलो, उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, किसान तो जो बेच रहा था 15 रुपए किलो में बेच रहा था, और जो एंड कंज्यूमर था वह उसको 100 रुपए में खरीद रहा था। तो ये जो 85 रुपए का अंतर था, ये कहाँ जा रहा था, ये बीचवानों को, दलालों की जेब में जाता था। अब वह दलाल के ऊपर मार पड़ेगी। दलाल जो है वो किसान का खून नहीं निचोड़ पाएगा। अब बहुत कम अंतर होगा दो चीजों में, कि जो एंड कस्टमर है, जो खरीदार है, उसको जो कीमत मिलेगी, और किसान को जो मिलेगी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10% तक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 100% तक या उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा तक, कोई इसकी सीमा नहीं, उतना अंतर आता था। उस सिस्टम को अब धराशाही हो जाएगा, वो किसान प्रोटेक्टेड भी रहेगा एमएसपी के माध्यम से। दूसरी चीज, जो भंडारण करने के ऊपर रोक थी, उससे जो एग्रीकल्चर एज अ इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही थी, एज अ इकोनॉमी, एज अ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही थी। क्योंकि सपोज करो कि मैं एक आलू का किसान हूं, और कोई यदि सब लेज हुआ या कोई भी इंडस्ट्री हुई जो आलू के चिप्स बनाती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उसको एक पर्टिकुलर साइज का, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का आलू चाहिए, जिसका साइज इतना बड़ा है ताकि उसको स्लाइसेस जैसी वह चाहता है आलू की मिल जाए। अब वह किसान, मैं हूँ किसान के पास आया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैंने उससे कर लिया कि ठीक है 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल जैसी भी बात हुई, मैं इतने रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको जो आप आलू चाहते हैं वो मैं दूंगा आपको। और तो मेरे पास अब ये हो गया कि इतने में तो मेरी फसल बिकेगी। अब उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितनी लागत लगानी है, मैं अब उसको निर्धारित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतने में तो मेरी बिकनी ही बिकनी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यह भी एक इंडस्ट्री की तरफ ले जाने के लिए कृषि को बहुत अच्छी पहल है। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक
तो भंडारण को मुक्त करना कि आप भंडारण की जो रोक थी उसको रोकना, जो कि सोवियत टाइम का एक एरा का क्लॉ था जो कि सोवियत संघ से हमने लिया था। दूसरा कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं, जिससे हम एक इंडस्ट्री की तरह, आप देखिए कि मैकडोनल्ड्स को सपोज करें कि टमाटर चाहिए, उसको टमाटर का एक स्लाइस चाहिए ताकि उसका जो ब्रेड है, जो उसका बर्गर है, उसमें इतना बड़ा टमाटर की स्लाइस चाहिए, तो वो इतना बड़ा टमाटर ही चाहेगा, उसी गुणवत्ता का, उसी ब्रीड का टमाटर चाहेगा, उसी क्वालिटी का टमाटर चाहेगा, तो उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बतौर किसान। अब मैं भी सुरक्षित हूँ कि मुझे इतना रेट मिलेगा मेरी फसल पर, दूसरा फसल खराब होने की स्थिति में मैं बीमा करवा सकता हूँ। तो कृषि को यदि लाभ का सौदा बनाना है तो हमको रिफॉर्म्स की जरूरत थी, वह रिफॉर्म्स आ गए। मैं तो कहता हूँ कि 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसी के जैसा यह रिफॉर्म है कृषि को, और कृषि को ये आधुनिक कृषि में कन्वर्ट कर देगा, कृषि को एक इंडस्ट्री बना देगा, और साथ ही साथ मंडी का स्ट्रक्चर और MSP का स्ट्रक्चर किसानों के लिए कवच का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।